हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र महापात्रा, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जीतू फिजिक्स। और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लेक्चर नंबर 8 रे डिस्कशन करना एम्पियर्स सर्किट लॉ, जेना कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सीएचएसई लगी। ओके, तो आउ डरी नहीं करूँ, आउ सीधा टॉपिक ऊपर आसमा, तो तार आगे मुझे कही रखबी। तो स्टूडेंट मानक रेस्पन्स बहुत बढ़िया अच्छे, तुम्हें डेफिनेटली बेनिफिट पाऊ यूट्यूब क्लास करला क्लास करला। ओके, डेफिनेटली तुम्हें बेनिफिट पाऊ तुम्हें मुहूर्त नहीं कही पार, तुम मन भितर डेफिनेटली भावत से जिनसा। ओके, तो आउ डेरी नहीं करूँ, आम पहला एमपियर सर्किट लॉ लिखमा। तुम्हें तार विषय किसी कहबार लगे चाहे आम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी था गॉस लॉ, इन आम पढ़ा एमपियर सर्किट लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी था कुलम्स लॉ, आम इन पढ़ना बायोट सावर्ट्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़ेतना कुलम्स लॉ, इन आम पढ़ना बायोट सावर्ट्स लॉ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़ेतना गॉस लॉ, इन आम पढ़ना एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, तो गॉस लॉ काना कहसी, पहला गॉस लॉ आरंभ करमा। तो गॉस लॉ काना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड क्लोज चार्ज इज इक्वल टू 1/0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यस सर, नो, इटा थिला इनसाइड द क्लोज सरफेस, इटा थिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो इन्हें कहा के एनक्लोज करतना, हमें चार्ज के एनक्लोज करतना। तो एनक्लोज केन थ्रे करना, फिर गॉसियन सरफेस रे एनक्लोज करतना। केन थ्रे गॉसियन सरफेस, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, गॉसियन सरफेस रे हम तक एनक्लोज करतना चार्ज के। ओके, किंतु इन्हें कहना नामा एम्पेरियन लूप नामा, कहा नामा एम्पेरियन लूप। अच्छा, पहला स्टेटमेंट लिखी दू, इट स्टेट्स दैट ओके, द लाइन इंटीग्रल इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप कहां कहना, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। आज जने का मैं कहछु एम्पेरियन लूप, केन लूप कहछु एम्पेरियन लूप बताबी इज इक्वल टू म्यू जीरो होचे मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, म्यू जीरो टाइम्स ऑफ the total electric current enclosed or encircling in that closed loop। तो देखा भल से आउथरे का कहूँ मुई, मार्क करी करी पढ़मा। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, केन इंटीग्रल पिला माने लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट एनसर्कलिंग इन दैट क्लोज्ड लूप। तो मैथमेटिकल हमें क्या लिखमा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या करमा, लाइन इंटीग्रल करमा, केन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल करमा, बी डॉट डीएल वेक्टर नवा कासन समनवा इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट ओके इन सर्कलिंग इन दैट क्लोज्ड लूप। ओके, जदि इटा गोटे कंडक्टर रे, जदि इटा गोटे कंडक्टर रे, जदि करंट आई फ्लो करुचे बोले आम जान मैग्नेटिक फील्ड केने प्रोड्यूस हा, मैग्नेटिक फील्ड तार सराउंडिंग रे प्रोड्यूस हा। तो आम कण करमा रेडियस आर, जेने के आम एम्पेरियन रेडियस कहछु, एम्पेरियन एनसर्कलिंग बनामा, इटा गोटे सर्किल हला, इटा हमर पेन है, इटा हमर पेन है, इटा होचे एम्पेरियन लूप। रेडियस आर भेरी करि पारे, केते लेथ की पारे, केते लेथ की पारे भेरी करि पारे, तार भीतर भी हि पारे, कंडक्टर भीतर भी हि पारे रेडियस। ओके, आमे काना करमा एनसर्कलिंग करमा, सेटा के आमे काय लूप कहछु, एम्पेरियन लूप। ई एम्पेरियन लूप भीतर करंट केते फ्लो करछे, आई करंट फ्लो करछे, तो आई इनसाइड जाय में केते लिखबी, आई लिखबी, बुझ पारलो। अच्छा, जदि एनसर्कलिंग एंता अछि, सपोज आउ इन भीतर के करंट, कंडक्टर रे भीतर के गुटे करंट जाउछे, आउ इन गुटे करंट बाहर के आसुछे, इन गुटे करंट अछि एंता अछि,
তো এটা হচ্ছে আমার এম্পেরিয়াল লুপ। তো আমি কেন কেন কনসিডার করবি, এটা হলো I1, এটা হলো I2, এটা হলো I3। তো কেন কেন করেন্ট কে আমি কনসিডার করবি, অবভিয়াসলি I1 আর I2, কারণ কি সে দুইটা এনসার্কেলিং হয়েছে, এই দুইটা এনসার্কেলিং হয়েছে, এই দুইটা এনসার্কেলিং হয়েছে, এই তিন নম্বরটা এনসার্কেলিং নি হই, বুঝি পারছ কি নাই? তো তিন নম্বর করেন্ট কে আমি কনসিডার নি করা, যেনটা এনসার্কেলিং হয়েছে সে দুইটা করেন্ট কে আমি কনসিডার করবি। তো I1 সাপোজ আমি যদি ইনওয়ার্ড কে যদি পজিটিভ নেব চাই, তাহলে আউটওয়ার্ড কে কানে নেবি, নেগেটিভ নেবি, তো টোটাল করেন্ট কত হই গেলা, I1 মাইনাস टोटल करंट जदि इनवर्ड के बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट लॉ है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप, जेने के हमें कुछ एम्पेरियन लूप, जेने के हमें कुछ एम्पेरियन लूप, ई एम्पेरियन लूप भीतर जितकी इलेक्ट्रिक करंट अछि से तके कहा टाइम्स कर दो म्यू 0 टाइम। व्हाट इज म्यू 0? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। म्यू 0 रो वैल्यू केते, म्यू 0 रो वैल्यू होछे 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर इनवर्स। क्लियर? ओके, एबे आमे पढ़मा एम्पेरियन माने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करी करी। अच्छा, बायोट सावर्ट्स लॉ हेल्प रे आमे जन जन डेरिवेशन करी पारु छु, एम्पेरियन माने एम्पियर सर्किटल लॉ रे भी आमे से डेरिवेशन माने करी पारु। तो एबे आमे चेक करमा डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बाय यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। का कहली? डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बाय यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। रेडी? लिखो एटा जल्दी। ओके, अबे हमें कहाँ डिराइव करना है? डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बाय यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ कैंटा यूज करना। ओके, तो हमें कहाँ कंसीडर करना? इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करना। कहाँ कंसीडर कर ली? इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर कर ली। कैसे करंट फ्लो कर चुके पिला मैंने? आई करंट फ्लो कर चुके। कैसे करंट फ्लो कर चुके? आई करंट फ्लो कर चुके। ओके, मुई कहाँ कर ली? आर डिस्टेंस रे, आर डिस्टेंस रे ई स्ट्रेट कंडक्टर रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ने ली, आउ ई पॉइंट रे, पॉइंट पी रे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर। तो आम जान इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अच्छे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छे आर, तो पॉइंट पी रे मैग्नेटिक फील्ड कहते कह निजी को बी इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाए, म्यू 0 बाय 4 पाए 2 आई बाय आर। ई एक्सप्रेशन के यूज करमा हले हम से कहमा जे बायोट सावर्ट्स लॉ हमें यूज कर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड कहते जगह रे ना म्यू 0 बाय 4 पाए 2 आई बाय आर। ओके, एबे एम्पियर्स लॉ आमे केनता यूज करमा देखो, आमे काना करमा कंसीडर करमा गुडे इनफिनिट स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करमा जेंथरे कि करंट केते फ्लो करछे, आई करंट फ्लो करछे, आउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुडा को काना हवा सर्कलिंग हवा, एन सर्कलिंग माने सर्कल टाइप रो क्रिएट हवा। देखो इनंता अछे भीतर रे गला फेर बाहर के लाला एंता ना किनोर बना एंता एंता इना होछे सर्कल टाइप रो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुडा को प्रोड्यूस हवा। हला, मुई काना करछे रेडियस आर नेकरी मुई काना करछे, ओके, काना करली गुटे एम्पेरियन लूप तैयारी करली, काना करली एम्पेरियन लूप तैयारी करली। ओके, इटा मैग्नेटिक लाइंस गुडा को आ मुई आर डिस्टेंस रे काना करली गुटे एम्पेरियन लूप तैयारी करली, बुझि पारलो? अच्छा, आमे एम्पियर सर्किटल लॉ अनुसार काना लिखि परमा कहते एम्पियर सर्किटल लॉ अनुसार काना लिखि परमा, एम्पियर सर्किटल लॉ अनुसार आमे लिखि परमा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल हला इज इक्वल टू म्यू 0 जन आई इनसाइड अछि हमकु प्रूफ करा अछि, काना प्रूफ करा अछि? म्यू 0 आई इनसाइड हमकु प्रूफ करा अछि, हमें एलएचएस नै कि आरंभ करमा, आरएचएस में प्रूफ करमा, बुझि पारलो? तो म्यू 0 सॉरी हमें बी डॉट डीएल लिखि थौ। ओके, ठीक अछि, मुई काना करली ई एम्पियन एम्पेरियन लूप रे डीएल लेंथ माने एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करली, एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करली, इधर लेंथ हैला डीएल। ओके, इन आइडियल सॉरी इन डीएल रो वेक्टर टेकन जेबा, ये डीएल वेक्टर जेबा, ये सब नो जीवा ना, इटा एनसर्किलिंग है, तो डीएल वेक्टर टेकन जेबा एंदा जीवा ना डीएल वेक्टर टे, ये सब नो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन केन जेबा? सही आड़े जेबा। देखो बोल कर निजे अनुमान करो, बुझी पाछो कि नहीं कहो? देखो इटा हला सर्किल, इटा हला सर्किल हला, इटा हला एलिमेंटल लेंथ, तो एलिमेंटल लेंथ टा केनता आसबा? ये एंता आसबा। आ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टा केनता आसुचे? बोले माने डीएल लेंथ भी ना तलके जाउ छे, आ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ना तलके आसु छे कि नै, बे तांकर भीतर एंगल केते हवा? को 0 डिग्री हवा, तांकर भीतर एंगल केते हवा? 0 डिग्री हवा। ओके, तो देखो इटा होछे हला से सर्किल टा, मुई एंता अमर माने कंडक्टर टा एंता अछे, इटा होछे मैग्नेटिक लाइंस,
ହେଲା ବେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଲେନ୍ଥ କନସିଡର କରୁଛେ ବେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଲାଇନ୍ସ ଏନ୍ତା ଯାଉଛେ ନା ତ ଇ ଯେନ୍ ଲେନ୍ଥ କନସିଡର କରୁଛେ ଇ ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ର ଡାଇରେକ୍ସନ କେନ୍ଟା ରହିବା ଇଆଡ଼େ ରହିବା ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ବୁଝ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ର ଯେନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମୁଇଁ କନସିଡର କଲି ତା ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଏନ୍ତା ରହିବା ନା ହଁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆମର ଭିତରକେ ଯାଉଛେ ବେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ବି କେନ୍କେ ଯାଉଛେ ଭିତରକେ ଯାଉଛେ ଲେନ୍ଥ ର ମାନେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଡାଇରେକ୍ସନଟା ତଲକେ ଯାଉଛେ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ବି କାଣ ଯାଉଛେ ତଲକେ ଯାଉଛେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଲଟା ବତାବା ଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛେ ତ ଯେନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଡିଏଲ ଭେକ୍ଟର ଅଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବି ଭେକ୍ଟର ବି ରହିବା ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ହେବା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ହେବା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବତାବା ଲାଗି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଓକେ ତ ଆମେ ଏତେ କେନ୍ତା ଲେଖମା ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଛେ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବି ଡିଏଲ କସ୍ ଥିଟା ଲେଖମା କି ନାଇଁ ଏ ଡଟ୍ ବି ନା ବେଲେ ଏ ବି କସ୍ ରେ ଲେଖିଲି ଓକେ ଏଖେନ୍ ଥିଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛେ ବେଲେ ବି ଡିଏଲ କସ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଲି ବେଲେ କସ୍ ଜିରୋ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ୱାନ୍ ବେଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦମା ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଛି ଓକେ ବିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଟା ଆର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଇ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଇ ପଏଣ୍ଟ ତାହା ଇ ପଏଣ୍ଟ ତାହା ବିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ବାହାରକି ବି ଆଣିଲି ବି ବାହାରକି ଆଣି ଆସିଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଜିରୋ ରୁ ଡିଏଲ କେ ଏଖାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରମା ନା ବେଲେ ରେଡିୟସ କେତେ ଅଛି ଆର୍ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେଟା ହେଇପାରବା ପିଲାମାନେ ଜିରୋ ଟୁ ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ହେଇପାରବା ନା ଓକେ ସୋ ବି ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ରଖିଲି ଟୁ ପାଏ ଆର୍ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ଏଖାନେ ଯେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଅଛେ ଆମେ କାଣା କନସିଡର କରିଥିଲା କି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କନସିଡର କରିଥିଲା ୟେ ସର୍ନୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କନସିଡର କରିଥିଲା ତ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ର ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ବାୟଟ ସାଭର୍ଟ୍ସ ଲ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ବାୟଟ ସାଭର୍ଟ୍ସ ଲ ବି ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କେତେ ଥିଲା ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ବାଇ ଫୋର ପାଏ ଟୁ ଆଇ ବାଇ ତ ଆମେ ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ବାଇ ଫୋର ପାଏ ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ବାଇ ଫୋର ପାଏ ଟୁ ଆଇ ବାଇ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ କରିବି ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ୟେ ସର୍ନୁ କଟିଯିବା କେତେ ହେବା ଦେଖ ତ ଏଖେନ୍ ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ବାଇ ଫୋର ପାଏ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାଏ ଫୋର ପାଏ ଫୋର ପାଏ କଟିଲା ଆର୍ ଆର୍ କେତେ ରହିଲା ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ତ ଇଆଡେ କେତେ ଅଛି ଇଆଡେ ଇଆଡେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଇଆଡେ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବି ଡଟ୍ ଡିଏଲ ଯେନ୍କି ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଛି ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ରହିଲା ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ଆଉ ଆଇଟା କାଏ ଆଇ ଇନସାଇଡ୍ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କୁହ କ୍ଲିଅର ହେଲା କି ନାଇଁ ଆମେ କାଁ କଲୁ ଦେଖ ପହଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ତଲୁ ଉପରକେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛେ ଇଟା ନେଇଗଲି ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ସରି ପହଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନେଇଗଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏନ୍ତା ଅଛେ ବୋର୍ଡ ଭିତରକେ ଯାଇଛେ ହେଲା ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲି ଇଟା ଦେଉଛେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲେନ୍ସ କେନ୍ତା ମାରବା ଏନ୍ତା ଏନ୍ସର୍କେଲିଂ ହେବ କି ନାଇଁ ଇ ସର୍କେଲ ହେବ ବେଲେ ମୁଇଁ କାଁ କଲି ରେଡିୟସ ଆର୍ ନେଇଗଲି ରେଡିୟସ ଆର୍ ନେଇଗଲି ଆଉ ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ତିଆରି କଲି କାଁ ଲୁପ୍ ତିଆରି କଲି ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ହେ ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ରେ ଡିଏଲ ଲେନ୍ଥ ନେଲି ଡିଏଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ରେ ଡିଏଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ ନେଲି ଆଉ ଡିଏଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଲେନ୍ଥ କାଁ ଭେକ୍ଟର ସରି ମାନେ କାଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ଡିଏଲ ଲେନ୍ଥ ର ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଏନ୍ତା ହେବା ନା ଏମ୍ପେରିଆନ୍ ଲୁପ୍ ଏନ୍ତା ଯିବା ଡାଇରେକ୍ସନ ଟା ବେଲେ ଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ କାଁ ଯିବା ଡିଏଲ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ବି ଭେକ୍ଟର ବି ଦେଖ ବି ଭେକ୍ଟର ବି ଇଆଡେ ଯାଉଛେ ତ ଡିଏଲ ଭେକ୍ଟର ବି ଭେକ୍ଟର ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହେଟା ଯଦି ଜାଣିଗଲା ଆଉ ଇନ କିଛି ନୁହଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବି ଡଟ୍ ଡିଏଲ କରିଦେମା ଏ ଡଟ୍ ବି ପକେଇଦେଲା ବି ଡିଏଲ କସ୍ ଥିଟା ଥିଟା ଜାଗାରେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ପକେଇଦେଲି ତ ବି ବାହାରକେ ନେଇ ଆସିଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଯାହା ହେବ ନା ଦେଖ ଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଯାହା ଇ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତାହା ଇ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତାହା ଇ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତାହା କାହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ ତାପରେ କାଁ କଲା ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏତିକି କରିଦେଲି ତାପରେ ଜିରୋ ରୁ ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ନେଇଗଲି ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଥିଲା କେତେଟା ଡିଏଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାହାରବା କେତେଟା ଡିଏଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାହାରବା ଟୁ ପାଏ ଆର୍ଟା ତ ନେଇଗଲି ତ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ କାଣ କରୁଛୁ ୟୁଜିଂ ବାୟଟ ସାଉଟ ଲ ବାୟଟ ସାଉଟ ଲ ୟୁଜ କରମା ତ କେନ୍ତା ୟୁଜ କରମା ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ରେ ଯେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ବାଇ ଫୋର ପାଏ ଟୁ ଆଇ ବାଇ ଆର୍ ସେଥିରେ କାଁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ତାକେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲା ପରେ କାଣ ରହିଲା ମ୍ୟୁ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ଇନସାଇଡ୍ ତ ଏଇଟା କାଣ ହୁଇଚ ଇଜ ଏମ୍ପିୟର୍ସ ଲ ଏମ୍ପିୟର୍ସ ଲ ପ୍ରୁଭ ହେଲା କି ନାଇଁ କୁହ ପ୍ରୁଭ ହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ କଣ କରମା ଡେରିଭେସନ ଅଫ ବାୟଟ ସାଭର୍ଟ ଲ ବା ୟୁଜିଂ ଏମ୍ପିୟର୍ ସର୍କିଟ ଲ ରେଡି ଓକେ ଓକେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଲା ଡେରିଭେସନ ଅଫ ଏମ୍ପିୟର୍ ସର୍କିଟ ଲ ବା ୟୁଜିଂ ବାୟଟ ସାଭର୍ଟ ଲ ଏବେ କାଁ କରମା ଡେରିଭେସନ ଅଫ ବାୟଟ ସାଭର୍ଟ ଲ ବା ୟୁଜିଂ ଏମ୍ପିୟର୍ ସର୍କିଟ ଲ ଓକେ ଦୁଇଟା ଡେରିଭେସନ କେନ୍ସି ଥିରେ ନିନ କେନ୍ସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଖୋଜିଦ ଦୁଇଟା ଡେରିଭେସନ ତମେ ନିପ ଓକେ ଓନ୍ଲି କେନ ପାଇବ ଜିତୁ ଫିଜିକ୍ସ ଓକେ ତ ଏଗେନ୍ ଆମେ କାଣ କରମା ଇନଫାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ କନସିଡର କଲା ଇନଫାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେନ୍ଥିରେ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛେ ଆଇ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛେ ଓକେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତ ମତେ କାଣ କରିବା ଅଛି ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ବନାବା ଅଛି ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେଇଥିରେ ସର୍କିଲ ବାଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ତ ମୁଁ କାଣ କଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ରେ ମୁଁ କାଣ କଲି ଏମ୍ପିୟର୍ସ
लूप कंसीडर करली एम्पेरियन लूप काना करली एम्पेरियन लूप कंसीडर करली एटा हेगला कंडक्टर एटा हेगला एम्पेरियन लूप केते डिस्टेंस रे आर डिस्टेंस रे केनो कंडक्टर क्लियर ओके फिर अगेन काना करमा अगेन कंसीडर करमा काना ना एलिमेंटल लेंथ केते डीएल डीएल डॉट काना वेक्टर क्वांटिटी तार केनडे जीवा तार आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऊपर आके जीवा माने परपेंडिकुलर टू आर डिस्टेंस हो परपेंडिकुलर टू आर लेंथ हो ओके अच्छा बी वेक्टर केना जीवा बी वेक्टर भी सही लाइन दे जीवा इटा डीएल वेक्टर लाइन है ओके इटा बी वेक्टर लाइन है बुझे थे एतकी बेले इटा हला इन लेंथ कंसीडर करली कानि के एम्पेरियन लूप रो डायरेक्शन राइटा अछे एम्पेरियन लूप रो भी डायरेक्शन याडा अछे तो लेंथ एतकी नली त केना जीवा लेंथ ता याडा जीवा हैं आ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन केना अछे याडा अछे तो दुईटा डायरेक्शन से याडा अछे तो एंगल केते डिग्री 0 डिग्री यस और नो ओके तो आमे कने जेंछु एम्पियर्सा सर्कुलर लॉ रे कने जेंछु ना क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 आई इनसाइड जानि छौ कि नि जानि को मते यस तो बी डॉट डीएल के आमे कान लिख परमा इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल बी डीएल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 आउ आई इनसाइड एम्पेरियन लूप भीतर टोटल केते करंट अछे ना टोटल करंट अछे आई करंट अछे लिखि देले आई ओके तो बी डीएल cos थीटा थीटा जगह केते बसमा थीटा जगह रे केते बसमा 0 डिग्री पुट करमा यस और नो थीटा जगह केते डिग्री पुट करमा 0 डिग्री पुट करमा थीटा जगह रे तो थीटा जगह 0 डिग्री पुट करले केते जइबा बी बाहर के नेसला कांस्टेंट अछि इंटीग्रेशन कर देना डीएल आ 0 टू केते करबि पिला माने 2 पाई आर एंता एलिमेंटल लेंथ केतरा अछि 2 पाई आर त अछि तो 0 टू 2 पाई आर नै गेली इज इक्वल टू म्यू 0 आई लिखली ओके बी इनटू इटे केते जइबा 2 पाई आर हबा के नै को इटा म्यू 0 इनटू आई तो b इक्वल केते लखमा को b इज इक्वल टू ना म्यू 0 बाय 2 पाई आई बाय r तो 2 पर मल्टीप्लाई करबी तले 2 मल्टीप्लाई करबी b इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय r इटा कार एक्सप्रेशन है इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर रे r डिस्टेंस रे मैग्नेटिक फील्ड हमें केंद्र बाहर करथना इटा बायोट सावर्ट्स लो तो काय ल प्रूव हला बायोट सावर्ट्स ल प्रूव हला बुझी पारु छ कि नहीं पूरा सहज है पूरा इजी है दुई तीन थर देखि दो वीडियो के पूरा परीक्षा एम्पियर सर्कुलर लॉ काना एम्पियर सर्कुलर लॉ हो छे आमे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल करमा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल करमा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल करमा ओके आ कहा से समान करमा म्यू 0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द क्लोज एम्पियरियन लूप इनसाइड द क्लोज एम्पेरियन लूप ओके पहला हमें करना डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बाय यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ एबे हमें करना बायोट सावर्ट्स लॉ के डिराइव करना एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करिया एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करी छ देखो बुझी पारो छो कि नहीं थरे दे थर तीन थर वीडियो के देखो डेफिनेटली बुझी पारो तुम्हें ई जगह रे कंफ्यूज नहीं हो हमें कंडक्टर नहीं छु इटा हला आमे जानना जे सर्किल वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होबा तो आमे कान करना आर डिस्टेंस रे एम्पेरियन लूप तैयार करली आ एम्पेरियन लूप रो डायरेक्शन मु इयर माने ई टाइप रो बनाली एम्पेरियन लूप रो माने क्लॉक वाइज बने देली बुझी परलो तो इने लेंथ अछ डीएल डीएल लेंथ कंसीडर करली से डीएल लेंथ रे कण काना वेक्टर क्वांटिटी है ता डायरेक्शन रे सेड जेबा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेड जो छे दिल पर भीतर एंगल केते 0 डिग्री किछे तार पर अछो तर पर किछ न ए डॉट बी पकामा ए बी cos थीटा तापर cos 0 डिग्री 1 हे गला इरा डीएल रो इंटीग्रेशन करमा 0 रो 2 पाई एंता डीएल एलिमेंट ई सर्किल भीतर केतरा अछे 2 पाई अट अछे सरला ओके एबे आमे एम्पियर सर्किटल रो एप्लीकेशन पढ़मा ओके होलो स्ट्रेट कंडक्टर लागि बाहर करमा इनसाइड आउटसाइड मन पड़ जे स्फेरिकल सेल बाहर कर देना इनसाइड आउटसाइड एग्जैक्टली सेम पूरा मजा आसी जेबा होलो स्ट्रेट कंडक्टर नमा पानी पाइप देखि पानी पाइप होलो स्ट्रेट कंडक्टर नमा से हमें इनसाइड रे मैग्नेटिक फील्ड बाहर करमा आउटसाइड रे मैग्नेटिक फील्ड बाहर करमा ऑन द सरफेस रे मैग्नेटिक फील्ड बाहर करमा आ गुटे नमा सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर पूरा निदाट रोल बॉडी देखि रोल बॉडी पूरा हेंताटा कंसीडर करमा हेथिरे भी इनसाइड आउटसाइड बाहर करमा पूरा मजा आसी जबा ओके सो कहीं मत जाइए नोट करो ओके एबे हमें एप्लीकेशन पढ़मा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग होलो स्ट्रेट कंडक्टर मु कहितली पानी पाइप रे एग्जांपल देथली पानी पाइप रे करंट फ्लो करा ता सरफेस रे खाली कंडक्टर गुडा को अछि भीतर किछि कंडक्टर नै न तो भीतर करंट रे माने भीतर किछि करंट फ्लो नै करबा
ओके तो कल केने माने केने फ्लो करछे सरफेस ने आ टोटल करंट केते फ्लो करछे आई करंट फ्लो करछे क्लियर। अच्छा इने मुई तार रेडियस ने गली कैपिटल आर केते रेडियस अछे सिलेंडर टा केते रेडियस अछे कैपिटल आर रो अछे ओके आमे इंटरेस्टेड अछु जे पहला केस नमा केस 1 तो केस 1 रे आमे पहला डिस्कशन करमा जे पॉइंट लाइंग आउटसाइड आउटसाइड द कंडक्टर ओके जेने की स्मॉल आर ग्रेटर देन का लिखबी कैपिटल आर तार माने मु एंता गुटे बाहर जगह रे का करबी पॉइंट नेबी आ सेतर अराउंड रे में का करबी सेतर से पॉइंट रे में का नजर करबी मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ ओके ठीक अछि हमें एखन इते के रेडियस नै गना इते के रेडियस से गना इटा हेला हमर का लूप एम्पेरियन लूप ओके इटा हेला हमर एम्पेरियन लूप इटा हेला रेडियस आर ओके हॉलो पाइप देखिरी टोटल करंट केते फ्लो करछे आई करंट फ्लो करछे जेना कि तार सरफेस रे खाली थिबा कंडक्टर गुडा को ओके से हॉलो स्ट्रेट कंडक्टर रो माने रेडियस केते अछि कैपिटल आर मुई केते डिस्टेंस रे मेजर करले चाहू छे स्मॉल आर जेना कि कान अछि पॉइंट लाइंग आउटसाइड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ओके तो एम्पियर सर्कुलर ला यूज करमा तार अगुरु हमें का जानमा इने में एलिमेंटल लेंथ टेनली एलिमेंटल लेंथ डायरेक्शन रे बाय आडे ओके आउ मैग्नेटिक फील्ड रो वेक्टर डायरेक्शन रे बाय आडे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री क्लियर इते तो पते नहीं लगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो हमें एम्पियर सर्कुलर ला यूज करमा का छे ना इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल केते लिखम म्यू 0 आई इनसाइड लिखबी का लिखबी आई इनसाइड ओके तो एटा लिखबी बी डीएल कॉस थीटा थीटा जगह 0 डिग्री पर कमा बले केते लिखबी डायरेक्ट लिखु छे बी बाहर के आने से ली इनटू डीएल इंटीग्रेशन कर भी जीरो रु कितने कर भी टू पाए आर जीरो रु कितने कर भी टू पाए आर इटा नहीं करें एम्पेरियन लूप के नबी कहाँ लगे एम्पेरियन लूप के नबी जीरो टू टू पाए इज इक्वल टू म्यू जीरो इनटू आई इनसाइड कितना अच्छे टोटल करने कितना अच्छे ये एम्पेरियन लूप इतने टोटल करने कितना अच्छे आई करना अच्छे आई करना फ्लो कर ओके तो बी इंटू टू पाए आर बी इंटू टू पाए आर इज इक्वल कितने लिख ली म्यू जीरो इंटू आई और बी इज इक्वल कितने लिखना कहो पिला मैंने म्यू जीरो बाय टू पाए आई बाय आर आर संगे मैग्नेटिक फील्ड केंद्र रिलेशन करवा ना बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तार माने ई होलो स्ट्रेट कंडक्टर आमे जितकी दूर के जिमा हेतकी मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ कना हबा कमी जिवा बले एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना मैग्नेटिक फील्ड बाहर करना रिलेशन करना ला म्यू 2 पाई आई बाय आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रेडियस माने ई स्ट्रेट कंडक्टर रो जितकी दूर के आसमा आर रो डिस्टेंस जितकी बड़ी जिवा मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ सेतकी कमी ओके एबे आसी जमा ई पॉइंट के हम घुचे घुचे जानली ई पॉइंट रे ना देली पी पी पॉइंट रे ई पॉइंट पी टा हम घुचे जानली ई सरफेस रे रखली ओके बले आर जे आर डिस्टेंस थला से आर डिस्टेंस टा कमी कर काना गेला कैपिटल आ रहिगला ये सर नो बले खन हम ऑन द सरफेस लागि लिखमा केस 2 ऑन द सरफेस लागि लिखमा केस 2 जने की स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर केस 2 ऑन द सरफेस पॉइंट लाइन ऑन द सरफेस बले हमें कहते लिखना को स्मॉल आर इज इक्वल का लिखना कैपिटल आर बले एक्सप्रेशन का ना पैथना इटा आउट है बी आउटसाइड ओके कहते पाना है बी ऑन द सरफेस कहते पाना को म्यू जीरो बाय टू पाए म्यू जीरो बाय टू पाए आई बाय आर जगह कहते लिख भी रेडियस मान टोटल डिस्टेंस कहते अच्छे स्मॉल आर बले स्मॉल आर टेकन कहते आर तार ओरिजिनल रेडियस इटा होचे मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्लियर आई कहते अच्छे ई भीतर का आई कहते अच्छे टोटल करंट आई फ्लो करछ ना ई भीतर भी आई अच्छे एम्पेरियन लूप भीतर भी आई अच्छे आ ई होलो माने कंडक्टर कहते इटा होलो कंडक्टर सरफेस ना कहते हो छे आई ओके तो लिख दे एकन बाहर कर मा इनसाइड तुम्हें निजे चिंता करो इनसाइड कहते हम तो जल्दी को कमेंट कर दियो ऑनलाइन सर लाइव क्लास थोड़ी ना है हमें बतामु इटा तो ऑफलाइन क्लास है ओके केस 3 में का कहली को ना पॉइंट लाइन इनसाइड द होलो कंडक्टर बले आर लेस देन कण हबा आर हबा तार माने मुई इने गुटे केने पॉइंट को कंसीडर करबी यस और नो इने गुटे पॉइंट कंसीडर करबी जने के भितरे अछि आ रेडियस आर नै गेली माने से एम्पेरियन लूप रो आ मुई कण ड्रा करली एम्पेरियन लूप ते तैयारी करली यस और नो इने भी अंदर डीएल लेंथ ने भी आसवा जड़े आ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी आसवा जड़े डीएल वेक्टर आ इटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हेई एंगल केते बा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हेबा कि नाही कहो इटा हमर आ सुजु पिला माने ई दुइटा हमर आ सुजे ओके हां ओके सही समय लिखमा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल
mu zero into I inside. I inside. E imperial loop भीतर कहते अच्छे हमको देखा अच्छे मुझे गोटे डायग्राम बनाऊ तो मैं लिखा तीन डायग्राम बनाब ओके तो यहाँ बी डी एल इंटीग्रेशन करमा थीटा इक्वल जीरो डिग्री कॉस जीरो वन डायरेक्ट लिखुच जीरो करमा टू पाय आर किंतु म्यू जीरो आई इन साइड इ एम्पेरियन लूप भीतर मत कहते अच्छे इटा तो हूँ टोटाल हलो सिलिंडर रे हलो है ना फंपाय भीतर बोले भीतर किसी कंडक्टर अच्छे कि बोले एम्पेरियन लूप जेन एनसर्कलिंग कर टोटाल के एनसर्कलिंग कर किसी नहीं कर बोले आई जगह के लिखमा जीरो माई टोटाल इतना जीरो बोले मान डीएल लेंथ तो जीरो नहीं हुए कण जीरो हम बी जीरो हम बोले बी इन साइड के जीरो बुझी पार कि नहीं कह क्लियर चिंता इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड के जीरो ना ना बी इन साइड भी जीरो ओके अरे भितर किसी कर आमे जेन होलो पाइप जेन कंसीडर करछु इटा सपोज भितरे किछि न इधर सराउंडिंग रे सब अछि ना इ मझिरे गोटे पॉइंट न इधर भितरे गोटे केन कंडक्टर छ भितरे जे करंट फ्लो करबा भितरे किछि कंडक्टर नै न त करंट जीरो क्लियर भल कर देखो आउटसाइड रे बाहर करना इनसाइड रे बाहर करना ऑन द सरफेस रे बाहर करना बे इनसाइड केते जीरो आउटसाइड इटा हेले मैक्सिमम आ आउटसाइड लेगी हेला कना आउटसाइड रे टाइम रिलेशन पर इनवर्स रे बंद आर जितकी डिस्टेंस बड़ी बड़ी जीवा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेतकी कमी कमी जीवा तो ई तीन जगह नेकि आमे ग्राफ बनामा काय ग्राफ बनामा देखो बोल कर देखा है ग्राफ बनामा इन ने गेले में स्मॉल आर ओके इन ने गेले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो केते दूर तक जीरो है कि इनो जीरो टा स्टार्ट हो माने सेंटर रु एतकी दूर तक जीरो टा स्टार्ट हो माने इटा ओ पोजीशन रु सीधा आर तक ने जीमे जीरो तापर सीधा मैक्सिमम वैल्यू नै जमा तापर इनवर्स प्रोपोर्शनल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल आ इन हव आर इज इक्वल टू आर जिन जगह के हम का वैल्यू पाउछु मैक्सिमम वैल्यू पाउछु आ से मैक्सिमम वैल्यू कते म्यू 0 बाय 0 आई बाय 2 पाई कते आर आई जगह के पाउछु बी इनसाइड के पाउछु आ ई रीजन ता का ई रीजन ता आर लेस देन कैपिटल आर ई रीजन ता का आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ई तब ई पॉइंट ता का आर इज इक्वल बुझी पाला कि नै कहो क्लियर एबे हम पढ़मा सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर तो मुझे भाव सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर लगे स्पेशल टाइम नमा आउ सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर के नेक्स्ट वीडियो में सेटा बहुत इंटरेस्टिंग और सेटा ही एग्जाम रे आसी ओके तो एतकी दूर बुझी के अपडेट कर दियो तार पर हम भीतर पर निदा थीबा इटा तो फंपा थिला फंपा सिलेंडर थिला हेते लगे भीतर किसी कंडक्टर नै थिला करंट जीरो कर देला किंतु सॉलिड सिलेंडर रे हंता करि नै पारो तो हेने अछि ट्विस्ट तो नेक्स्ट वीडियो तुमको जनता के देखा ओके तब तक के लिए थैंक यू।